नया विलॉग और खूबसूरत वीडियो के हाजिर होयावर्स उम्मीद करना आज की वीडियो पसंद सी सब तो पहले है कि जितने चैनल पर नवे रिक्वेस्ट है चैनल के सब्सक्राइब करी ने सब तो पहले है कि आज की जी वीडियो है और एक रिक्वेस्ट है साढ़े बड़े प्यारे दोस्त जनाब सोहेल फ्रॉम यूके राती उन्हें रिक्वेस्ट की और राबता किया कि जनाब तुसा साढ़े इलाके जाओ साढ़े इलाके मस्जिद देर तामीर है तो उस ना एरिया लेंटर तो तुसा जाओ तो उत उस लेंटर की कवरेज करो तो मैं आया तो मैं उस भैन भ्रा की दसी है अज ना जो मस्जिद ना लेंटर वो कैसा एरिया वै बाकी काफ़ी माशाल्लाह माड़िया वीडियो तक की रही लाइक करी रहे हो अल्लाह पाक सारे भैन भ्रा की सलामत रखन सही मुफ्तों की कैम उदैम रखन तो इंशाल्लाह इस तरह सपोर्टा करने रहो तो असा ज्यादा जल्द कामयाब होने रहा तो बाकी चलने तो असों की चेकअप कराने तो और अखबाब ने मुलाकात ही करने साढ़े नाल रहो आज चलने जी भैन भ्राओ ऐसा मशीन फिट हो गई उस तो बाद जनाब ऐसा बजरी वगैरह पही है सीमेंट होता है तो सब तो पहले सोहेल भाई सुना बहुत बहुत शुक्रिया सी इनवाइट किया बाकी तकी सकने ऐसा बजरी है उस तो बाद ऐसा मशीन फिट होगी तो हूँ रेता पता नहीं किधर है चलो है वो इतना है उसी कुछ साइड पर ही उसी बहर चलने गए मुलाकात करने इस गली चेक करी सकने जना बेली अगर चलने काफ़ी हवा मौजूद है मुलाकात करने तकी सकने जना बेली मशीन फिटिंग जारी है ये बड़ा खतरनाक काम होना है लेकिन बहर चलो अल्लाह पाक हर त्रीय तरह इस काम को कंप्लीट कर बाकी चलने उपर मस्जिद छत चेक कराने शुरुआत करू रहे हो दुआ करे अल्लाह ताला एक कम तोड़ कर अल्लाह का खैर रखी तो कंप्लीट कर ठीक हो ये तो ये नजरी लिए नहीं दे रही है अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम ठीक हो खैरियत है सारे साहब जनाब ये फिटिंग जारी है और काफी हवा भी मौजूद है सतवा ही क्रम मौजूद है बाकी छत पर काफ़ी हवा मौजूद है जनाब अली साढ़े उस्ताद मोहतरम मास्टर आरिफ साहब मौजूद है जी अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी क्या है मास्टर जी ठीक हो प्रियत है बहुत सुनाओ अस्सलाम वालेकुम चौधरी आजम साहिब अस्सलाम वालेकुम ठीक हो कारी साहब अस्सलाम वालेकुम ठीक हो और जी ठीक हो प्रियत है माशाल्लाह जी इधर तक को जी पैप से फिट हो रही जनाब जी जबरदस्त क्या हाल है जनाब ठीक हो खरीत है चेक करी सकने हो जनाब चौधरी चौकी साहेब अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जनाब ठीक हो प्रियत है अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हजूर क्या हाल है ठीक हो नवीद साहब और सुनाओ नवीद साहब मैं है जनाब ने रिक्वेस्ट है राधी फिर सोहेल भाई रब्ता किया मैं फिर लाजमी कोई मसला नहीं और सिर्फ ठीक है टाइम तो जनाब कड़ना पैना है तक जी टाइम कटिया तो असा ना कटी सकने और सही ठीक ही ना बहुत शुक्रिया बाकी भैन को चेक कराने मस्जिद ने पूरा छत इत साढ़े काफ़ी हवा मौजूद है जनाब इस तरह इलाके ना व्यू चेक करो
प्रोग्राम बनाई जंदा ने बड़ी गल बड़ी गल जबरदस्त बस जी कुछ देर तो बाद लेंटर हो जैसे स्टार्ट तो अल्लाह पाक खैर करा तो इसकी जल्द जल्द कंप्लीट किया जाए اللهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا إله العالمين ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں هدیۃ تحفۃ نذرانۃ تنقیدۃ محبت پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما یا إله العالمين تیرے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے یا إله العالمين اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے گھر کے اندر جنہوں نے بھی حصہ ڈالا ہے ان کے گھر کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں سب کے روکو پیش کرتے ہیں اللہ کریم کو بولو منظور فرما سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا الہ العالمین جنہوں نے تیرے گھر کی تعمیر کے لیے رقم دی ہے یا الہ العالمین تو ان کے گھروں میں اپنے خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول فرما شر شیطان شر ظالم سے محفوظ فرما یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم صلی اللہ تعالی علی حبیب जी व्यूवर्स अस मौजूद हैं जनाब मस्जिद जिस मस्जिद का नाम रखा गया हाजी बाग अली हाँ टोक हाजी बाग अली मस्जिद जी अज इस लेंटर हो रहा है तो बाकी अस मौजूद है जनाब अब अब्दुल अजीज साहब उस तो बाद इमरान साहब मुंशी बशीर साहब मुश्ताक साहब जनाब अस अब्दुल अजीज साहब को इमरान साहब को कोई मस्जिद में वाले हैं डिटेल के इंसान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल जनाब ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत पर ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि मस्जिद का लेंटर हो रहा है अल्लाह पाक इस मस्जिद की आबाद करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए बाकी जनाब मैं उठा के गुजारिश करसा कि मस्जिद ने वाले ने थोड़ी जी अपना की डिटेल दसी छोड़ो इस मस्जिद की बड़ी हिस्ट्री है जी जनाब मोहतरमा हाजी बघेली साहब इस मस्जिद की मैं सूचना ओरिजिनली बनाया अगर माड़ी इन्फॉर्मेशन ठीक ही है पर मैं इस मस्जिद में भी स्टूडेंट रहा मैं इस मस्जिद कुरान पाक पढ़िया इतना मौलवी गुलजमान साहब से उन्होंने मैं कुरान पाक पढ़िया
जी मैं मुश्ताक साहब जिला इस मस्जिद ना कम शुरू किया था असा की महल की ना कराया अच्छा। इस मस्जिद जी ते मैं आपको रबता किया कि तुसा असा इस मस्जिद के स्टूडेंट हैं तो असा भी हिस्सा बांध दियो जी तो इन्होंने बड़ी मेहरबानी तो असा तावन भी इन्होंने किया और इन्होंने बड़ी हिम्मत थी कि यूके चुछी तो अपना टाइम कड़ी अपने बच्चे छोड़ी तो इतना आए तो इन्हें जनाब इन्होंने जी फैमिली है मुंशी बशीर साहब इन्होंने पाई है वह भी जनाब बाकी ग्राम महल ने लोग इन्हें बड़ी हिम्मत की थी इस मस्जिद की तामीर की था। मस्जिद तामीर करना अल्लाह ने घर बसाना बड़ी चीज़ है जी 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 तो अल्लाह ताला इन्होंने एफर्ट कबूल करे तो इस मस्जिद की जरा कंप्लीट हुआ था अल्लाह ताला इस महल्ले ने इस लोगों की हिम्मत है कि अच्छी नमाज भी पढ़न जी तो अल्लाह की इबादत करें तो असा वास्ते भी दुआ मंगन तो अपने वास्ते भी दुआ मंगन बिल्कुल ये गल अच्छा ये दसो कि यह जो मस्जिद का काम हो रहा है ये फंडिंग के थ्रू हो रहा है या क्या सिस्टम है इसका ए जनाब मुश्ताक साहब इंग्लैंड की सारी फंडिंग करी रहे ठीक है पब्लिक फंडिंग है सारे जितने पेनो प्रेस इलाके ने थे उन्होंने सारे ने फंडिंग है लेकिन जरा मेन एफर्ट हो जनाब मुश्ताक साहब ने अच्छा सर मुश्ताक साहब सर जबरदस्त जबरदस्त जनाब मैं गुजारिश करता कि अब्दुल अजीज साहब तुसा भी अपना इजहार करी ओड़ो मस्जिद ने वाले ना आबाद करने देखो पांच वक्त नमाज पढ़ने कोई नहीं मस्जिद बन जानिया इस वजह है कि मेन चीज होनी कि उसने विच नमाज पढ़ना उसकी सफाई ना रखना ठीक हो गया मुश्ताक साहब मैं गुजारिश कर अपना इजहार करियो सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ठीक हो अल्लाह का शुक्र है ठीक है मैं मुबारक देना तुसा कि तुसा ये बड़ा अच्छा काम शुरू किया और नए काम शुरू किया तुसा ये दसो कि किस तरह ख्याल आया कि इस मस्जिद के मजीद ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए मैं दो तीन साल से ज्यादा पाकिस्तान रहना रहा अच्छा इतना अच्छा रहा नमाज पढ़ने वास्ते इसमें छत चोना सी चोना सी ठीक है सोचा ग्रहणी लोगों ने सलाह कर सा जी जे उन्हें मनिया तो अच्छी गल है जे ना मनिया तो ता भी असा ये कम करना बड़ी गल है पर मैं इंग्लैंड जेड़े अपने महल्ले ने जितने बंदे उन्होंने शुक्रिया अदा करना है उन्हें बड़ा अच्छा तावन करी रहे जी ये जेड़े इमरान साहब ने दी गल है ये गल कोई झूठी नहीं जी बिल्कुल मैं इन्हें के माड़े बड़े करीबी दोस्त है मैं है यार असा अपने महल्ले ने इंग्लैंड च रहने हैं महल्ले ने असा महल्ले ने मस्जिद तामीर करा सा मैं तुहाडे नाल गल कीती है जे तू आ महल्ला उपर आ अच्छा थोड़े जे नाराज हुए मैं नाराज ना हो पैसा जरा दे सो तो चाहिए किन सो बिल्कुल फिर इन मस्जिद तो दे सो चाहिए किन सो इन्ना मी मन नाल तमन कीता अच्छा महल्ले सो बारू जी बाकी ते जड़े आज ही बागली ना महल्ला सो कि नहीं ते नक्की तक ते चूरियां मुरियां ते ए जड़ा पारा नका ए असा ना एक महल्ला आ माशाल्लाह असा कोशिश ही है जे अपने महल्ले कुल वे ग्राई करी इसी तामीर करी छोड़ा ठीक है ते और कोई बारू दे ते ना ना करने मगर असा कोशिश करने जे ना मंगा किसा को सही है इसनी वजह ए जे ओ जेड़े बाहर ने और कम भी करासना ए अपर स्कूल साडा बन गया ओ पूरे असाने ग्रां ता पूरा इलाका तावण करा स्कूल ना बिल्कुल ये मस्जिद साडा छोटा जा कम आ जी जी बिल्कुल इसने वास्ते बाहर ने गए असा कोई ग्रां सो बाहर किसा ना नाराजगी को नहीं सही गल है इमरान साहब शिकवा करने के बाद ही और भी माड़े भरा कुछ करन बरल साडा किसा ना नाराजगी नहीं आ जड़ा कोई दे तो खुशी नाल दे ठीक हो गया जी असा मस्जिद ही लासा इंशाल्लाह ठीक है मैं इंग्लैंड ने लोगों ना दोबारा शुक्रिया अदा करना है जी जिन्ना तावण कीता ठीक जिन्ना नहीं कीता उन्होंने भी मैं शुक्रिया अदा करना है कहता अगले टाइल जे लगी गी ते ठीक है ते ना लगी ते रोजे सो बाद शुरू हो सी सही मैं के टैली ने जड़ा सी ना ओ एक और पैगाम लान कीता है एक और पैगाम देना चाहना है जी जी इंग्लैंड वाले ने तो शुक्रिया अदा करना मदद की थी ने मैं इस महल ने पूरे लोगों वास्ते जी उन्हां विच मैं आपू भी शामिल हां ठीक है उन्हां की ये गल रखना पांच वक्त नमाज अच्छी तै इत्थे पढ़ो जमात नाल पढ़ो जमात नाल हां सारे मौली साहब माशाल्लाह
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक साहब, अल्लाह पाक सुनके सलामत रखन। तुसा जरा बुजुर्गों जो ये भी अपने दो चार गल करी छोड़ो मस्जिद वाले मुंशी बशीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल जनाब? ठीक हो? शुक्र ठीक है। तो जनाब मैं गुजारिश कर सा भी अपनी तरफों इजार करी छोड़ो मस्जिद वाले मस्जिद ने वाले ने कि अल्लाह ताला ने जात ये मंजिल जी शुरू हुई है ये तोड़ दी भी जाए सारे ना इतफाक है इसने जी। मस्जिद ने जगह जड़ी सी ना वो भी असा अल्लाह की मेहरबानी ने वक्फ की है जी बिल्कुल। हाँ जिथा जी अस अपनी चॉइस ही वक्फ की असा जनाब ली कोशिश ही है इमाम मस्जिद जो साढ़े असा मकामी रखे इतना ठीक है आखने बार बार इन्हें कि नमाज पांच वक्त बाद ना पढ़ो ठीक है बच्चे भी पढ़ाओ जाहिर है जी। फिर एक सिस्टम है असा रखे है जे इतना कुछ खर्चा खराजात भी करी मस्जिद बनाई थे जिसकी अगर चलाया ना बंदा जगदा तो फिर तो एक नाकामी है बिल्कुल ये गल है। तो अल्लाह ताला की जात ये कम तोड़ दी भी जाए जी असा हर तरह तवन तैयार है। तो इस मस्जिद ने इट अपने टाइली वास्ते है जी जुल्फकार अच्छा उर्फ पट्टू ठीक है अच्छा अच्छा उस ऐलान किया कि जड़ी टाइल लगसी वो मैं दसा माशाल्लाह जबरदस्त 200 300 400 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
सर माड़े नाल इंग्लैंड ने जितने बंदे इस मस्जिद ने बारे च ना किन्ना तो लिस्ट बहुत सारी है बहुत बंद तावन किया मैं उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करना आ उस बाद सारे बंदे की मैं ये रिक्वेस्ट करना आ जिस तरह माड़े नाल तावन किया ने तो इस तरह साढ़ा स्कूल आ भाई इमरान कम कराई दे तो मैं इतने आया पहला लंटर माड़ी सू पहले हो चुका सी तो दूआ लंटर माड़ी मौजूदगी जो भी होया बहुत अच्छा काम हो रहा मैं ये पूरे इंग्लैंड ने जितने इस ग्रां या इलाके या डड़ियाल ने बंदे मैं उन्होंने की आखना चाहना बहुत अच्छा काम कराई दे स्कूल ना ये नहीं जो असं मस्जिद ना अच्छा ना कराई दे मगर मस्जिद ना थोड़ा कम असं ज्यादा कोशिश है कामयाबी करी इंसान इंशाल्लाह जरा स्कूल ना थोड़ा ज्यादा कम आ अगर ये साढ़े ग्रां लोग सारे भाई इमरान नाल तावन कर बहुत अच्छी है मैं उन्होंने दोबारा शुक्रिया अदा कर सां इस पहले जिन्ना तावन किया जिन्ना नहीं किया इमरान नाल तावन कर ठीक है हाँ जी वीवर्स कम हो गया स्टार्ट माल थोड़ा जा है दूर है लेकिन आने पे आराम आराम नाल नीचे है तो लिफ्ट लगी है ऐसा किस सकने हो लेंटर आस्ता आस्ता स्टार्ट करी कहना ने लेंटर हो गया जी अल्लाह याद करके स्टार्ट
मस्जिद ने जरा वे हाल है तो सुनता किसी को इतना शिटरिंग लगी है तो यह जो खुलसी एक बार फिर मैं इस इंशाल्लाह विजिट कर सौ अल्लाह पाक खैर करे अल्लाह पाक के मुश्ताक साहब ने इस मनसूबे की मस्जिद कम से कम 6 सफा बन सौ 6 सफा बिल्कुल अंदर काफ़ी तगड़ी मस्जिद है माशाल्लाह 3 सफा बरामदे अच्छा तीन अच्छा ये बरामदा जी 3 सफा आने के बरामदे हो जाए सुन ये ना बरामदा भी है मैं ना बहुत जबरदस्त मस्जिद होगी तो नीचे जड़िया वाशरूम हो सुन वो सुन रिहायश भी है रिहायश भी थी वाह जबरदस्त लेंटर बड़ा तेज ना जारी हुई है जी बाकी ले शेटिंग खुल सी फिर इंशाल्लाह इस मस्जिद का पूरा विजिट कर सा मस्जिद की हर जड़ी चीज़ है वो इतना चेकअप करा सा बाकी चलने नीचे तो उसका की फिर जरा वाशरूम ही है वाशरूम ही है जी चार ये कितनी हुई चार चार अच्छा ठीक है अच्छा एक कमरे बच्च है त्रै ये बाहर ठीक हो गया जबरदस्त जी पैसे तकी सकने जी हम बाकी सीटा बगैर हो गया अच्छा अच्छा ठीक हो गया ठीक हो गया हूँ लिफ्ट हो गई है जनाब यानी फुल बाय फुल जबरदस्त चलने जनाब अली कब्रस्तान अंदर लो जी जबरदस्त माशाल्लाह तकी सकने आखिरी आरामगाह पौधे जनाब लाए ने अमरूदा ने और भी काफ़ी पौधे माल्टियां बगैरह ले
माशाल्लाह जी काफी रौनक है ये पौधे शोधे काफी लाए ने माशाल्लाह सब तो मेन जड़ी चीज है कब्रिस्तान की सफाई बड़ी खूबसूरत बस पिछा जड़े साडे पेड़ों पर आए उन्हों जी जी सफाई रखी ये माड़े वाले साहब ने कब्र है अच्छा ये कदों वफात हुई नहीं तीन साल हो गए तीन साल अल्लाह पाक इन्हें बख्शे फरमान ते बाकी ये नाल जड़ियां काफी कब्रियां ये इसमें तकी सकने हो बाकी इतों मस्जिद जड़ी है हूँ सही सामने नजर आएगी तुसा कि मैं पूरी मस्जिद का व्यू चेक कराई ओड़ा जबरदस्त तकी कहती ने यह पुरानी मस्जिद ने उपर ही जनाब इन्ना काम शुरू कराया और अपर डबल स्टोरी मस्जिद जी उची होगी उची जी मस्जिद होगी मुल बेहतर होगी है क्योंकि मस्जिद ने अंदर कुरान पाक वगैरह होने सपारे होने इसलिए तू मस्जिद उची करी उड़ी ने दुआ शुआ मंगो तो अल्लाह पाक ने बच्चे फरमान गली विच माल आने का हाँ चौधरी यादव साहब सामने खारा और इन्होंने ये भी दसा हुआ है कि मस्जिद ने जी रोड है वो भी नहीं मिली रही है तो कुछ मसाइल की वजह तो इसमें वजह तो अभी बड़ी परेशानी नहीं दिक्कत है ताकि अगर रोड होनी तो मटीरियल जरा मस्जिद ने गेट ने सामने चला जाए और उतों जरा आराम ना बाकी भी है कि अगर कोई उलमाए कराम अच्छा या कोई भी मस्जिद नमाजी जान या कुछ तो रोड होनी चाहिए क्योंकि थोड़ी जी गली है लेकिन रोड हो जा रहा मकान है मेरे ख्याल मकान तो पटन नहीं होना कुछ नहीं कर सकते बाने का मकसद है इनका कोई होर बंदे जो सुनने वाले रहने बारे पहले सोचो जी भैने तो थकने पे हो कि मालकी सा लिफ्ट उपर डाने पे और जबरदस्त कम एरिया और खूबसूरत माल तैयार किया जाए माशाल्लाह और मस्जिद लेंटर जरा बड़ा खूबसूरत एरिया वे बाकी इस तरह तक सकने हो कि तकरीबन तो तकरीबन अद्धा लेंटर हो चुका और तकरीबन कुछ देर तो बाद मस्जिद का लेंटर हो जाए कंप्लीट ठहराने हबाब की मुबारकबाद पेश करने जी जिन्हें मिले जुली क्या इस मस्जिद ने लेंटर की कामयाब किया बाकी भैन भ्रा आई गई हेयर कटिंग शॉप पर इतना मैं हद से कराई चुनी है और फेशियल वगैरह मैं कराई चुनी है थोड़ा जहा क्योंकि कल एक महफल है तो महफल पर जाना तो फिर मैं चलो आ गया थोड़ा जहा जी बेबद अस इस वक्त मौजूद हाँ डिजाल मुकाम पर एक होटल है अस मौजूद हाँ तो अस एक भाई और मौजूद है जेडे दोवें बाजुआ तो मजदूर है मैं इन्हें कित क्या होटल पर मैं क्यों ना इन्हें को दो चार गल् पूछी कि बाकी वीडियो जी मस्जिद ने लेंटर नहीं बनाई होंगी है बाकी अस इन्हें बाद चुन करने सलाम वालेकुम सलाम क्या जनाब ठीक हो जी अलहमदुल्ला शुक्र ठीक है ठीक ठाक अपना नाम दस जी मेरा नाँ है अब्दुल सलाम अब्दुल सलाम कड़ी जाना तरह का सलाम जी त्रड़खल त्रड़खल जी ठीक हो गया कितना अर्सा आया तक जजाल आया वो तकरीबन 15-16 साल 15-16 साल ठीक है ये जो मजदूर हो बचपन तो या
बाकी जहर है बाजू ना होने की वजह से बंदे की बड़ी परेशानी जानी पैनी है सारा कुछ तो किस तरह फिर अपना सिस्टम चलाने हो क्या कुछ करने हो अपना हर काम फॉलो करी के कोई मसला सही इस तरह का आम आदमी नहीं महसूस करना ये चीज ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो मिसाल जब उसने चाह पियो तो चाह पियो हालांकि किस तरह पीछे वाला अल्हम्दुलिल्लाह को मसला नहीं है या अल्लाह है सको जी अल्लाह माफी तको जी भाई उन्होंने चाह पीती है तो मैं उन्होंने वीरों की गुजारिश कर सा जिन्होंने बाजू है उन्होंने कदर करो तो जिन्होंने नहीं उन्होंने वीर भाइयों की कदर करो तो उन्होंने को दुआ भी करो तो बाकी अक्सर अहबाब सारे जो गलत रोजी खर्च करी रहे तो उन्होंने इे रिक्वेस्ट है कि मजदूर बंदे ने खिदमत करो ताकि तुम्हें कुछ सवाब मिले तो बाकी तुसा फिर जहर है किराए पर मकान कहते हैं तो फिर जहर एक हज़ार नहीं मजदूरी करने किस तरह उस मकान रेंट देने घर तुझे किस तरह अलहमदुल्ला चलना पाया सर अच्छा क्योंकि वालदा बीमार हो जाने फिर अस्पताल प्रॉब्लम जो मसला इतना जया करो ठीक है क्योंकि मजदूर आदमी इस टाइम दिहाड़ी लाई तो गुजारा करना सही इतना नजदीक ही नहीं है चलना ठीक है जो ठीक होने अलहमदुल्ला ठीक है ग्राम मकान है कोई मसला नहीं है तो थोड़ी फैमिली भी इतना ही है ना फैमिली फिर वक्त ग्रां गए नहीं अच्छा ग्रां गए ठीक अलहमदुल्ला सोने नहीं जात ना करम है बस शादी की थी उस जी अले कोई नहीं अच्छा कोई ठीक तो क्या कुछ कोई गल बात चली शादी के बारे या कोई फिलहाल आस्ता आस्ता कर रहे हैं जो कुछ अल्लाह ताला मंजूर है अच्छा क्योंकि अल्लाह ने अमर तो बगैर कोई चीज़ नहीं हुई ये कितनी उम्र हुई ऐसा नहीं हो जी उम्र 30 साल हुई 30 साल जी जी ठीक 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 जी अल्लाह पाक सही से दे ये तो आज तकर बार ही बता था कर आमीन मैं कहीं कि ये बंद करो जी को जी भाई यार दो बाजू में मजदूर भी है लेकिन फिर भी रेडी पर मजदूरी करी रहे हम तक सकने फ्रूट तक कोई ना बिल्कुल तक हो तकी सकने इन्हें किस तरह ठीक किस तरह इन्हें रेडी की पकड़िया और इतों इसकी बाकी सजावट जड़ी है इन्हें काफ़ी की है अल्लाह पाक ने सलामत रखा तो बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया दुआएं याद रखें।